हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज के इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplecbyfaishi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर परेशान हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया इसलिए वो परेशान हैं और उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो देखो, आप सभी को बता दें कि आपका जो एग्जाम है वो 29 सितंबर से होंगे और कोई भी एग्जाम आप पोस्टपोन नहीं होगा। ऐसे में आपको अपनी तैयारी करते रहना है। ट्रिपल सी के जो एडमिट कार्ड थे वो 21 सितंबर को आने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, तो आप 1 से 2 दिन और वेट कर लीजिए। उम्मीद है कि 24 या 25 से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम को लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी के एग्जाम 29 सितंबर से स्टार्ट हैं और आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, आज के इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और रेगुलर क्लास ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पर। सो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं आपका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। जितने भी मैंने पीछे के क्लास कराए हैं, जो प्रीवियस क्लास हम आपको दे चुके हैं और जिसमें मैंने एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराए थे, आप उनको भी जरूर ध्यान से देखें क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ई बुक नहीं लिया है तो आप लोग ई बुक ले सकते हैं। एक मास्टर ई बुक हमने आपके लिए तैयार किया है और एक चैप्टर वाइज ई बुक हमने तैयार किया है। दोनों को अगर आप एक साथ लेते हैं तो वहां पर आपको 136 का डिस्काउंट मिल जाएगा और केवल आपको 199 में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आपने उसमें से एक परचेज कर ली है तो आप किसी एक को लेंगे तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप उसके लिए भी नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर सारा कुछ दिया गया है कि कौन सा डिस्काउंट कोड वहां पर इस्तेमाल करना है और आप उसे अभी ले सकते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, सभी साथी क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में जुड़ सकें। सबसे पहला पूछा है आपसे, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? चलिए भाई, कौन सा यहां पे सही जवाब है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आपको पता है कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका वी करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जवाब करिए, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो यहां पर सही जवाब कौन सा होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करना है और यहां पर सही जवाब है 280, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? ठीक है, तो यहां पर है आप किसी भी वर्ड में और इसमें आप जाना चाहते हैं इसके स्टार्टिंग में, तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? मैंने लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की आपको दी है, अगर आपने उनको पढ़ा है समझा है तो आपको पता होगा। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन वी, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो। ठीक है, कंट्रोल के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, आप अपने वर्ड के शुरुआत में चले जाते हैं और अगर आप शुरुआत में हैं स्टार्टिंग में हैं तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करना होगा, इससे आप वर्ड के लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के क्लास जो हमने आपको दिए हैं, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस नाम से, वहां पर ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल आपको समझा रखी हैं तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, ABRS का पूरा नाम क्या होता है? और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा गया है। ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट, आधार वेज्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, ध्यान रखना है तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम पूछा है क्या होता है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या इसमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है यहां पर प्रोसेसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। अगर आप सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट सीट पर ले जाना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है, राइट एरो, अल्ट के साथ में पेज डाउन, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन, कंट्रोल के साथ में होम की। तो यहाँ पे देखो भाई CTRL है, बट यहाँ CNTRL लिख गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल लिखा है, CTRL, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा। अगर आप सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में पेज डाउन प्रेस करना होता है, एक शॉर्टकट की होती है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये हम आ चुके हैं कैल्क प्रोग्राम में, और आपको पता है जब कैल्क प्रोग्राम में आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर वाइड डिफॉल्ट केवल आपको एक सीट मिलती है। आप यहाँ ध्यान देंगे नीचे, तो यहाँ पे देखो लिखा है सीट वन और सीट टू और सीट थ्री, ये मैंने यहाँ पे दो सीट ऐड कर दी है, वैसे यहाँ पे वाइड डिफॉल्ट सीट एक ही मिलती है, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि हम आपको अगली सीट में जाकर के आपको दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि हम पहली सीट में हैं, सीट वन में, और यहाँ पे मैंने सीट वन में कुछ लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है ओके। ठीक है, अब यहाँ पे सीट वन से मुझे सीट टू में जाना है, तो यहाँ क्लिक ना करके मुझे एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है, वो शॉर्टकट की से आप जा सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ओके लिखा है, और सीट टू के अंदर भी हम कुछ लिख देते हैं ताकि आपको पता चल पाए जब हम नेक्स्ट सीट पर मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है CCC। अब देखिए यहाँ पर हम सीट वन में हैं, अब मुझे करना क्या है, शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल के साथ में यहाँ पर आपको पेज डाउन, जो आपके कीबोर्ड में पेज डाउन बटन होता है, उसको दबाना होगा। तो जैसे मैंने दबाया, देखिए सीट अगली पे आ चुके हैं, यहाँ CCC लिखा हुआ था, मैंने सेकंड सीट पे वहां आ चुके हैं। इसके बाद थर्ड सीट पे जाएंगे तो फिर से कंट्रोल के साथ में पेज डाउन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड सीट में आ चुके हैं जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा था। अब मुझे अगर पहली सीट में फिर से जाना है, तो इसके लिए हम वापस आ सकते हैं कंट्रोल के साथ में पेज अप करके, तो पेज अप करेंगे, देखो CCC वाली सीट पर आ गए, फिर पेज अप करेंगे तो हम ओके वाली सीट पर आ गए। तो हम लोग यहाँ पर सीट से दूसरी सीट में जा सकते हैं कंट्रोल पेज डाउन के साथ में। ठीक है, ये शॉर्टकट की होती है, इसे आप ध्यान रखें। ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट की हमने विद प्रैक्टिकल समझाई हैं, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप ये सारी चीजें याद कर सकें। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी होती है शिफ्ट के साथ एंटर। ठीक है, शिफ्ट के साथ में एंटर आपको प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, IPv4 पता कितने बिट्स का होता है। ठीक है, IPv4 पता कितने बिट्स का होता है, तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा 32 बिट का होता है, ध्यान रखना है IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा आपका सही जवाब होगा। इंप्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, जैसे आपका पावर पॉइंट होता है एमएस ऑफिस में, वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है, तो यहाँ पर वी ऑप्शन करेक्ट है, CTRL K आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, इंप्रेस में कुल कितने मेनू होते हैं, टोटल मेनू की संख्या कितनी होती है इंप्रेस प्रोग्राम में, तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन पहला 10 होती है। ठीक है, टोटल मेनू कितने होते हैं, 10 मेनू होते हैं इंप्रेस प्रोग्राम में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इंप्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इंप्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बताइए। तो याद रखना है यहां पर हो जाएगा C, .odp होता है इंप्रेस में,
प्रेजेंट जो आपका इंप्रेस होता है उसमें जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओडीपी होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है। ओडीटी पूछें तो किसका होता है, राइटर का होता है, इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये होता है राइटर का। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट जिसका मतलब होता है ODS, तो डॉट ODS होता है स्प्रेडशीट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में नया प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप एक नया प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, तो नया पेज का मतलब यहां पे नया पेज लेना अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना होगा, फिर यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंट्रोल एन से आप न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंप्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। जब आप इंप्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट की बात की गई, यहां पे बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट वन होता है, प्रेजेंटेशन वन होता है, अनटाइटल्ड वन होता है या IMP वन होता है, तो याद रखना है सभी को अनटाइटल्ड वन होता है, ठीक है। और ये इंप्रेस में ही नहीं होता है, आपके राइटर में भी होता है, आपके कैल्क में भी होता है, आपके इंप्रेस में भी होता है, सभी में अनटाइटल्ड वन ही होता है। जब आप फर्स्ट टाइम आप जो है ओपन करते हैं वहां पर, जब तक आप उसमें कोई भी नाम नहीं देते हैं अपने फाइल का तब तक अनटाइटल्ड वन रहता है। तो जब भी आपसे बाय डिफॉल्ट पूछा जाए तो आप अनटाइटल्ड वन ही बताएंगे। इसके बाद अगर आपने कोई नाम वहां पर रखा है, कोई फाइल सेव कर दी किसी नाम से, तो उस नाम को वो डिस्प्ले करेगा, और ये कहां डिस्प्ले होता है, टाइटल बार में डिस्प्ले होता है, जो भी टाइटल नेम होता है। अगला प्रश्न बताना है इंप्रेस के फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड शामिल होते हैं। इंप्रेस का जो फाइल मेनू होता है वहां पर न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड आपको मिलते हैं, तो देखिए न्यू कमांड में आपको मास्टर डॉक्यूमेंट, फार्मूला, स्प्रेडशीट, ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शन मिलते हैं, सो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न पूछा है इंप्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां पर मिलती है, फाइल, एडिट, इंसर्ट या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताइए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा वी, फाइल में आपको मिलती है, फाइल मेनू में आपको रिमोट की कमांड मिलती है, ओपन रिमोट की कमांड मिलती है। अगला प्रश्न पूछा है इंप्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इंप्रेस प्रोग्राम में कंट्रोल एस होती है, F12 होती है, कंट्रोल शिफ्ट एस होती है या कंट्रोल F12 होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है। अगला प्रश्न पूछा है इंप्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी प्रेजेंटेशन को आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, BMP में कर सकते हैं, GIF में कर सकते हैं या इन सभी में कर सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑल ऑफ दीज, आप इन सभी में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है इंप्रेस से बाहर जाने के लिए आप किसका चुनाव करेंगे, इंप्रेस से बाहर जाने के लिए आप किसका चुनाव करेंगे। अगर आप इंप्रेस से बाहर आना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कंट्रोल वाई, कंट्रोल क्यू या इसमें से सभी, मतलब सभी सही है आपका, तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल क्यू आप प्रेस करेंगे। इंप्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट वी होती है, कंट्रोल वी होती है, शिफ्ट वी होती है या नन ऑफ दीज, तो आपको बताना है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट और वी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इंप्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का अगर डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं इंप्रेस प्रोग्राम में। याद रखना है सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करते हैं, इससे क्या होता है इंप्रेस में जो टेक्स्ट होता है वो आपका डुप्लीकेट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा है इंप्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कौन सी कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है बताइए, कंट्रोल F होता है, कंट्रोल H होता है, Alt F होता है या
ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे, इससे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। अगर आपको पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कोई आपने टेक्स्ट को कॉपी किया और वो टेक्स्ट आपका फॉर्मेटेड था, उस टेक्स्ट पर आपने उसका साइज इंक्रीज किया था, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, उसमें कलर डाला था, उसको बोल्ड किया था, उसको इटैलिक किया था, ऐसे बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपने कर दी थी। अब आपने उसको सेलेक्ट किया एंड कॉपी किया, अब उसको पेस्ट करना चाहते हैं, बट आप ये चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट को तो पेस्ट करेंगे बट टेक्स्ट को पेस्ट करने के अलावा इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट ना हो, ठीक है, तब आप कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका टेक्स्ट तो पेस्ट हो जाएगा लेकिन जो फॉर्मेटिंग थी उसमें वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, केवल आपका बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होना चाहिए वही पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड आपको कौन से मेनू में मिलती है, तो यहां पर ऑप्शन सी है, व्यू मेनू में आपको मिलती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बताना है, ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो हर बार ये प्रश्न आता है ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है, इससे आप ध्यान रखें। और जिन बच्चों को पता है आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेजें, सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा। और भाई अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, आप लोग बिना कहे लाइक और शेयर कर दिया करो। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, TWTTR होता है ट्विटर का ओरिजिनल नेम, याद रखना है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए ट्वीट, एक ट्वीट की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 280 वर्ड, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, फायरफॉक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सर्च इंजन है, एक वेब ब्राउजर है, एक मैसेंजर है, तो फायरफॉक्स इसमें से क्या है। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, ऑप्शन आपका यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा, वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, MQTT stands for, यानी कि MQTT का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी रो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। तो यहां पर कैल्क भी आप इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही रो होती हैं, तो कैल्क में कितनी रो होती हैं आपको आंसर करना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 10,48,576, ये टोटल नंबर ऑफ रो 10,48,576 रो होती हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। रो आप समझते होंगे, जैसे कि आप कैल्क में आएंगे तो यहां पर देखिए ये सब रो आपकी हैं, ठीक है, तो एक रो कितनी होती है ये आपसे पूछा है। तो यहां पर आपके जो रो की संख्या है वो 10,48,576 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो पड़ी लाइनें आप देख रहे हैं ये सब आपके रो होती हैं। अगर आप अंतिम रो पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल आप प्रेस करेंगे और इसके साथ में आपको डाउन एरो प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे आप सबसे लास्ट सेल पे आ जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं ये लास्ट जो आपकी रो है ये है 10,48,576, ओके, चलिए। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीमेल में सेव किए हुए मैसेज किस में जाते हैं। अगर आपने जीमेल में कोई मैसेज सेव किया है तो वो कहां जाता है, तो वो सेव हो जाता है आपके ड्राफ्ट में, ऑप्शन बी होगा यहां पे करेक्ट जवाब, ड्राफ्ट में। और जैसे कि कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे तो आज उन सभी क्वेश्चन के जवाब
हम आपको यहाँ पर देंगे। और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट जवाब भेजे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा था, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। तो जब आप किसी को मेल करते हैं और अगर आपने बाई चांस किसी का मेल आईडी गलत भर दिया है तो आपको वापस एक मेल आता है जो कि बाउंस मेल होता है, ठीक है। तो प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल बाउंस मेल कहलाता है। और NEGP का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो कि काफ़ी बच्चों ने करेक्ट आंसर भेजा है। और आज के कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा है, निम्न में किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थाई होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं नीचे। और आज की क्लास बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।